और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। अब ये कमाल की इन्फॉर्मेशन तो आप लोग को ऑलरेडी मिल ही चुकी होगी कि भाई पहली बार हुआ है, एक लंबे अरसे के बाद पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि पबजी मोबाइल वालों ने एक ऑफिशियल न्यूज़ दी है और उसमें एक एग्जैक्ट डेट बताई है किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। तो भाई साहब, ये बहुत टाइम बाद हुआ है, लेकिन सच बता रहा हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। तो हुआ ये है कि जो हमारा गेम आने वाला है पबजी मोबाइल इंडिया, AKA बैटल ग्राउंड मोबाइल, अब सब लोग इसी को यही बोलते हैं क्योंकि नाम चेंज हो गया है तो वही लेना चाहिए। तो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की जो प्री रजिस्ट्रेशन की डेट है भाई साहब, वो सामने आ चुकी है, आप सबको पता होगी। और वो डेट है कितनी, 18 तारीख। आज 14 है, यानी कि आज से 4 दिन बाद, 4 दिन क्या, ये 14 तारीख तो ऑलमोस्ट बीत ही गई है। 18 तारीख से आज ये प्ले स्टोर पर इस गेम का प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और जब ये गेम रिलीज होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और खेल सकते हो। ये कमाल की बात है, और आई थिंक ये और पहले भी अनाउंस किया जा सकता था, लेकिन अब फाइनली एक एग्जैक्ट डेट अनाउंस हो गई है। तो यहाँ पर आप अब इतना तो मान के चलो कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ डन है। अब बस उनको जो टाइम चाहिए था वो टाइम भी ले चुके हैं, तो प्री रजिस्ट्रेशन आ चुका है। और जहाँ तक रही बात गेम रिलीज़ होने की, तो भैया देखो, आमतौर पर तो लोग दुनिया की तुमको बातें बताएंगे कि प्री रजिस्ट्रेशन के बाद 3 महीने में गेम प्ले आना चाहिए, 2 महीने में आना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सीधा प्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई बीटा वगैरह का न्यूज़ भी नहीं आया है, तो होपफुली आपको सीधा ही गेम देखने को मिलेगा। और यही जून में ही देखने को मिल जाना चाहिए, मे चल रहा है और जून में दिख जाना चाहिए। अब वो आपको सोलर इक्लिप्स वाला तो पता ही होगा ही, है ना, लोगों ने दिमाग लगा जो रखा है कि सोलर इक्लिप्स 10 को पड़ रहा, तो 10 जून को आएगा गेम प्ले, क्योंकि हिंट करा था पबजी वालों ने। अब सच्ची बोलो यार, तो मेरे को भी वो हिंट काफ़ी सॉलिड तो लगा, मतलब ऐसा नहीं लगा कि लोगों ने कुछ भी बोल दिया उधर, सॉलिड लगा। देखते हैं क्या होता है, अगर 10 तारीख को आता तो ठीक है, वरना अगले महीने तक आई थिंक पबजी मोबाइल आ जाना चाहिए। पबजी मोबाइल आदत पड़ेगी यार, बैटल ग्राउंड मोबाइल आ जाना चाहिए। वेल, आप लोग मेरे को ये चीज़ बताना है कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी। मेरे को यार ये सुबह ही पता चल गया था, जैसे ही अपडेट हुआ था ना वैसे ही पता लग गया था, लेकिन यार तुम्हारे भाई को जो नींद चढ़ी थी ना, और अभी भी चढ़ी हुई है, पूरा दिन सोते हुए बीता भाई। मतलब तुम्हारे भाई को एक चीज़ है कि अगर उसने मीठा खा लिया, समझ रहे हो ना, मीठा, तो उसका पूरा दिन सोते हुए जाता है। और यार आज थी ईद और तुम्हारे भाई ने खा लिया सिवाई, अब पूरा दिन पड़ा सो रहा था वो, और कुछ कर नहीं सकते। तो यार वो जो नशा चढ़ा ना मेरे, तो अभी जाके थोड़ा बहुत उतर रहा है, और तुम भी देख रहे होगे कि मेरी जबान में ज़्यादा दम नहीं है, तो इसी वजह से वॉइस ओवर में कर नहीं पाया था, वॉइस ओवर करा। और ये गेम प्ले, तो गेम प्ले के साथ जो है जो न्यूज़ देनी थी, न्यूज़ क्या हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा, वो दे दी। अब वेल, अगर आपको यहाँ पर जो है ऑफिशियली जो पेज था उसको आपने नहीं पढ़ रखा किसी भी तरीके से, और आप पढ़ना चाहते हो कि उसमें और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो उस पेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। वही पबजी वाले की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, वहीं सारी न्यूज़ भी आती है, तो कभी भी आगे कोई न्यूज़ आएगी तो आपको वहाँ से पता लग जाएगी, तो आपको इधर उधर लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा जिनके सो कॉल्ड सोर्सेस 25 डेट बताते हैं ना। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप आराम से उस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। और ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि आप जो है मतलब बाहर के लोगों के साथ नहीं खेल पाओगे शायद इस वाले वर्जन में, क्योंकि इस सर्वर का कुछ इशू रहेगा। तो इससे एक बात पता चलती है कि हमको एक काफ़ी ज़्यादा रीजन लॉक मिलेगा सर्वर में, मतलब ये ज़्यादातर आपको इंडियन बंदे ही देखने को मिलेंगे, इससे मे भी मैच मेकिंग में थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन चलो कोई उतना खास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर फिर भी मान लो कि आपका कोई ऐसा दोस्त है जो फॉरेन में रहता है या किसी और कंट्री में रहता है, और आपको उसके साथ खेल नहीं खेलना है, तो भाई देखो, जैसे हम KR खेल रहे थे वैसे वो इंडियन वर्जन खेल लेगा, तो जुगाड़ तो हर जगह है, डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत के साथ अपने उस साथी के साथ खेलना चाहते हो। वेल, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, यही है कि आप जिसके पास ग्लोबल वर्जन है यार वो ग्लोबल खेले, जिसके पास KR है वो KR अब खेले, और जिसके पास आने वाले समय में बैटल ग्राउंड मोबाइल होने वाला है वो उसको खेले, ताकि किसी भी सर्वर पर लोड ना पड़े, क्योंकि जब लोड पड़ता है यार फिर प्लेयर्स भगाए जाते हैं उस गेम से, तो अच्छा नहीं। अब इस गेम प्ले में ज़्यादा कुछ है नहीं, मुझे इतना ही आपको बताना था। आगे जो है ये आपको मेरा मैच देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत इतनी तगड़ी हुई थी चुम्मा की पूछो नहीं, लेकिन लास्ट में तुम्हारा भाई जोन से मरा क्योंकि उसे गाड़ी ही नहीं मिली। वेल, आप लोग इस गेम प्ले का मजा लो, और मैं आपसे कल मिलता हूँ, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई को आ रही नहीं, तो आप वो जरा सोने और बड़बड़ करके, और मेरे को पकाना नहीं तुमको, तो चलो भाई।
मेरे तो कंट्रोल्स वही थे यार। Thank you.